please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन रेरा प्रशासन रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा। इसकी जानकारी आधिकारिक आदेश में दी गई। केंद्र सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार नियम 1961 में संशोधन किया है। उच्च न्यायालय आज यूनिटेक की अपील पर सुनवाई कर सकता है। हैदराबाद उच्च न्यायालय आज यूनिटेक लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। यूनिटेक ने इस योजना के जरिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक संरचना निगम के पास 2008 में 350 एकड़ जमीन के लिए जमा कराए गए 500 करोड़ रुपए के रिफंड की मांग की है। श्रीराम प्रॉपर्टीज खरीदेगी बिल्डरों की फंसी संपत्तियाँ। श्रीराम प्रॉपर्टीज अपनी विस्तार योजना के तहत अन्य बिल्डरों की फंसी संपत्तियों को खरीदने का विचार कर रही है। इसके लिए कंपनी की करीब 1600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। श्रीराम प्रॉपर्टीज के प्रबंधक निदेशक एम मुरली ने कहा कि कंपनी चेन्नई और बंगलुरु में आवासीय संपत्तियों और विशेष रूप से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पारसनाथ करेगी पश्चिम दिल्ली में नए मॉल पर 100 करोड़ रुपए का निवेश। पारसनाथ डेवलपर्स राष्ट्रीय राजधानी में एक शॉपिंग मॉल के विकास पर 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का मकसद इसके पीछे लीज पर वाणिज्यिक संपत्तियां देकर किराए से आमदनी बढ़ाना है। पारसनाथ डेवलपर्स के चेयरमैन प्रदीप जैन ने कहा, हम पश्चिम दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस में शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। यूनिटेक घिरी संकट में, यूनिटेक के दो निदेशकों का इस्तीफा। संकट में घिरी यूनिटेक रियल एस्टेट कंपनी के दो निदेशकों ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी यूनिटेक ने कल बंबई शेयर बाजार को दी थी। निदेशकों की पहचान गैर कार्यकारी निदेशक मिनोती बहरी व अतिरिक्त गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक दिलीप कुमार मल्होत्रा के रूप में हुई है।